7 बजे फिर भी जाना पड़ेगा एक जगह पे। गुड आफ्टरनून दोस्तों, निकल तो गया काम पे लेकिन ना बहुत धूप है, बहुत इतना गर्मी है मैं आपको बोल के बता नहीं सकता। इधर मेरा टेम्परेचर निकल है ना 39 दिखा रहा है, बहुत ज्यादा गर्म है। मैं दोपहर के बाद यानी कि 1 बजे के बाद निकला मैं काम पे और गर्म बहुत है भाई, इसलिए टोपी और फुल शर्ट पहन के निकला ताकि जो गर्मी है वो कम महसूस हो। कपड़ा से ढका रहेगा तो गर्मी कम महसूस होगा। और कितना ज्यादा तेज धूप उठा है देख लीजिए, गर्मी की वजह से ना रोड एकदम खाली है, एकदम खाली है रोड, धूप कितना तेज उठा है देखिए। जो भी हो भाई, सुबह सुबह काम पे तो मैं 1 बजे का बाद ही निकला लेकिन निकलते ही ना एक ठो रिजर्व छोड़ के आया, अभी इधर कुछ लोकल सवारी लेके आया, कुछ देर के बाद एक सवारी और फिर कॉल करेगा तो उसके लेके कहीं जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है लेकिन उन्होंने बोला कहीं जाएगा। इस गर्मी में ना गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है, देखो इतना गर्म है। तो अभी ना एक अच्छा सा छाव सा जगह देख के रुक जाएगा वहां। कुछ देर के लिए रुकेगा और ये बाईपास रोड है ना, यहाँ इतना तेज गाड़ी आता है, रोड खाली है फिर भी फुल स्पीड से जा रहा है बोल के ना हॉर्न लगाते हुए जा रहा है ताकि पहले से उसको साइड दे दे। क्यों भाई, आपको पता है ये रेसिडेंशियल एरिया है तो यहाँ थोड़ा धीमा जाया करो। पता नहीं क्यों ये बाईपास रोड है इसलिए गाड़ी भी बहुत तेज चला रहा है, संडे का दिन है गाड़ी भी तेज चला रहा है, रोड ऐसे ही खाली है और भी तेज चला रहा है, और संडे का दिन ही ना भाई ज्यादा एक्सीडेंट होता है, यही कारण नहीं है। संडे का दिन और धूप उठने की वजह से रोड खाली रहता है बोल के ना ये लोग बहुत तेज गाड़ी चलाता है, और अचानक कोई गाड़ी के सामने आ गया तो ब्रेक तो लगा नहीं पाता है, उसी टाइम होता है भाई एक्सीडेंट। रेसिडेंशियल एरिया, मार्केट एरिया, कमर्शियल एरिया जहाँ है ना भाई, ये सब जगह में गाड़ी थोड़ा धीमा चलाना चाहिए। हाँ आप हाईवे में उठ जाओ, वहां तो रोड बनाया है उस तरह से भाई, आप चलाओ ना तेज, वहां मना कौन किया, वहां तो किसी किसी जगह पे तो लिखा भी है स्पीड लिमिट इतना है, इसका इसका ऊपर चला सकते आप, किसी किसी जगह पे लिखा है इसके ऊपर नहीं जा सकते आप, तो आप चलाओ वहां, गली मोहल्ला के अंदर से भाई इतना तेज जाएगा तो एक्सीडेंट तो होना ही होना। ये गर्मी के वजह से ना किसी किसी जगह पे तो कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है भाई, फ्री में पिला रहा है, और पिलाना भी चाहिए जिसका खर्चा करने का क्षमता है ना भाई, उसको पिलाना चाहिए। इस गर्मी के वजह से अगर किसी को बीच रास्ते में ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है, मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है, पिलाना भी चाहिए इतना गर्मी में, वो उसको अगर थोड़ा सा ठंडा पानी ठंडा कोल्ड ड्रिंक मिलेगा ना उस बंदे को तो थोड़ा राहत महसूस होगा। मैं भी आते वक्त ना 2 जगह से 2 ग्लास पी के आया भाई, यहाँ बात करके ना शांति नहीं है, बहुत तेज गाड़ी आता है, बहुत तेज आवाज आता है, बिना कारण हॉर्न लगाता है। देखो भाई खाली रोड है बोल के ना कितना स्पीड में जा रहे हैं लोग, देखिए ये तो फिर भी नॉर्मल है, कोई कोई गाड़ी तो इतना तेज जा रहा है ना बताना मुश्किल है भाई। आज के लिए काम मेरा खत्म, इतना गर्मी गिरा है ना काम करने का मन नहीं लग रहा है, तो अभी गाड़ी बंद कर देगा। दोस्तों मैं ना गाड़ी बंद करने ही वाला था, सुबह जो सवारी को छोड़ के आया था ना उन्होंने फिर कॉल किया तो उनको लेके कहीं जाना पड़ेगा, अभी जा रहा हूँ मैं वही। तो ये टिप लगाने के बाद मैं बंद करेगा, पहले उनको छोड़ना पड़ेगा उनका मंजिल तक।
हो गया दोस्तों, आज के लिए काम ख़त्म। 7 बजे फिर भी जाना पड़ेगा एक जगह पे, तो गर्मी बहुत छोड़ा है। पहुंच गया मैं घर, आ ही रहा था तब उस बंदे ने कॉल किया, तो उसको पहुंचा के आ गया उस जगह पे। फिर 7 बजे ला के वहाँ से उठा के उनका घर में छोड़ना पड़ेगा। एक बार 7 बजे फिर जाना पड़ेगा। जो भी हो, तब तक ठंडा हो जाएगा। अभी तो मैं घर पहुँच गया घर। दोस्तों गर्मी ना बहुत छोड़ा है, और इसी गर्मी के वजह से ना ये टोपी और ये फुल शर्ट लगाया मैंने, और पसीना निकल रहा है इधर से। देखिए, दिख रहा है कि नहीं वो तो मालूम नहीं, लेकिन पसीना निकल रहा है। और जो ये टोपी और ये शर्ट पहने का कारण दूसरा और एक भी है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, उसने एक सर्कुलर इशू किया है, उसके मुताबिक ही चल रहा हूँ मैं। इस गर्मी के वजह से ना 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, तो उस हिसाब से ही चल रहा हूँ, देखता हूँ ताकि तबीयत ठीक रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही दोस्तों।